जगह मैं रुकी हूँ ग्रीन थॉर्न रिजॉर्ट है या फिर कैंप है। तो यहाँ पे हूँ मैं नुब्रा में। नुब्रा इज़ एक्चुअली अ डेजर्टेड प्लेस, बहुत ज़्यादा डेजर्टेड और बहुत सुंदर। यहाँ का व्यू बहुत अलग है, यहाँ के आपको लगेगा आप अलग ही दुनिया में आ चुके हो। फिलहाल हम टुरटुक के लिए रेडी हैं और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो आई विल शो यू टुडे द लास्ट विलेज। सो गाइज, टुरटुक से पहले हम अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। रॉयल राइडर नुब्रा हुंदर के साथ हम हुंदर शिफ्ट हो चुके हैं। हुंदर में बहुत सारे कैम्प्स दिखते हैं, बहुत फेमस सी प्लेस है। हमारे कुछ इस तरह के कैंप्स होंगे आज, काइंड ऑफ दिस तरह के छोटे छोटे सुंदर से कैंप्स। आपको पता है मैं किनके साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मैं नीचे नेम मेंशन करा हुआ है, इनके साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो याद रखना अगर आपने अपने ट्रैवल बुकिंग्स करनी है विद गुड रेट्स एंड पॉकेट फ्रेंडली बजट, और वो भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। इनके स्टेज सच में मार्वलस है। आई एम पर्सनली टेलिंग यू, मैं तारीफ नहीं कर रही एज सच, मतलब मैं खुद ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि स्टे पर्सनली बहुत 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 अच्छे हैं। तुम्हारे भी हो जाएंगे। दिस इज़ अ वीक ब्रिज, वन व्हीकल एट वन टाइम हमसे पहले निकल रहा है। ये finally reaching Turtuk, the village जो कि अराउंड 1997 में एक रात के अंदर पाकिस्तान से इंडिया हो गया था। कैसे हैं आप? लेके घूम रहे हो? यूपी से तो गुलाब कहाँ से मिलेगी आपको? म्यूजियम है। तो गाइस, हम जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ, जो कि रास्ता कुछ ऐसा है। तो आपको यहाँ पे ट्रेल करनी पड़ेगी, छोटी सी गाँव के बीचों बीच से। आप कहाँ से हो? लखनऊ से। एंजॉय किया? हाँ? हेलो, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेनवाज। हाँ जी, शेनवाज खान। अच्छा, काचो। सो you know that you are in Baluchistan right now. You are not in Ladakh. You are in Baluchistan. Baluchistan. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। या तुर्तुक पहले पीओके में थे। अच्छा। 1947 से लेकर 1971 तक तुर्तुक पीओके में थे। अच्छा। और 1971 में हमारे हिंदुस्तान में आया था। 1971 में आया। 16 दिसंबर 1971 guys. So this house is first built by Abu Turab Khan, one of the famous king of Abu dynasty. Abu Turab Khan. Yeah, Abu Turab Khan. Okay. हाँ, so who built this house in 16th century? For the 2 or 3 months of summer, he used to stay here only. Okay. So दिस इज रियल आइबेक्स हॉर्न स्कल। ये आइबेक्स का रियल हॉर्न स्कल है। हाँ, बल्कि लोग इसको गुड विशेस से वेलकम के लगाई जाती है। यू कैन सी द रिंग्स और नॉट ऑन द हॉर्न दैट रिप्रेजेंट द एज ऑफ आइबेक्स। सो एवरी ईयर दे गेट 2 रिंग्स। हर साल इसको 2-2 रिंग्स आती है और रिंग्स की वजह से एज पता चलता है कितने साल का है या कितने साल तक जिंदा रहा हो, ये रिंग्स बताती है। और ये हम लोगों को पत्थर इन्होंने इसके चौबी टिम्बर बिछा के रखा। नीचे और एक फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर में खाना बनाने वाले वर्कर्स लोग। अभी हम फैमिली वाला सेक्शन, ऊपर गेस्ट वाला सेक्शन। अभी आगे बहुत शॉट लेना है। सबका हाइट आपको छोटा-छोटा नजर आता है। ये जो लद्दाख और बल्तिस्तान सेस्मिक जोन 4 में आता है। सेस्मिक जोन 4 में आने के मतलब ये भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अक्सर यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। ये जो छोटा पिलर्स और बीम्स लगाए जाते हैं इसका, ताकि आर्थिक ऑपरेशन को ऑब्जर्व करे। हर एक दीवारों के बीच में ऐसे घुड़न का स्पैम लगाया जाता है। रूम के अंदर अंधेरा हो जाता था। रूम के अंदर अंधेरा होने की वजह से बाहर से लोग नहीं देख सकता था, तो इसीलिए इसकी खिड़कियाँ काफ़ी छोटी छोटी है। यहाँ पे तांबे के बर्तन आपको नजर आएंगे। इससे एक्चुअल में गेस्ट आते थे, वहाँ पे राजा से मिलके यहीं से वापस जाता था। मेरे बोलने का मतलब है जो नीचे वाला जो फैमिली वाला जो सेक्शन है वो मैंने आपको दिखाया, वो आप प्राइवेसी में रहते थे। ना खाना बनाने वाले लोग मिलते थे, ना गेस्ट मिलते थे, प्राइवेसी में रहते थे। जो यहाँ से गेस्ट आए थे दरवाज़ा देखते थे, उसी टाइम के दरवाजे हैं। इन पर नक्काशी या कारीगरी आप देख सकते हो, वुडन। इनमें जो होल्स है, इनमें प्रेशर स्टोन लगी हुई थी, आप देख सकते हो। पाकिस्तानी आदमी निकाला। हाँ, चोरी हो गया। This looks actually beautiful. बारिश हो रही है, हम हिस्ट्री सुन रहे हैं और मज़ा आ रहा है। Let's go to another century today. I'll just record this. I don't record it. घर का एक सिंह का जो रानी इस्तेमाल करता था, और यहाँ पे एक हाथी दांत से बनाया बॉक्स है, उसको क्या कहते हैं? सिंगार बॉक्स। आजकल क्या कहते हैं? मेकअप बॉक्स। ये लड़कियाँ बाकी जहर मोरा का जानते हैं जारमोरा एंटी पोजन कप पोजन। बाकी हर यहाँ पे वैराइटीज गार्डन में है। गाइस आपको बाहर निकलते हुए कुछ ऐसा क्या मिलते हैं, फवानी, फवानी जी। हम पता नहीं मुझे इसको क्या कहते हैं बट क्या कैसे करना है इनको, फवानी नहीं कहाँ रखना है इसको, गरम जगह पे। हाँ, गरम जगह पे रखने से सॉफ्ट होता है और फिर खाओ। हाँ फिर खाओ, आइए हम मुंह में डालकर खाते हैं। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, हम बलूचिस्तान में हैं ऐसा हमें पता चला जो भी हम टुर्टुक में हैं, जो कि 1971 में आज़ाद हुआ था, ना कि 1997 में कारगिल का कोई एरिया आज़ाद हुआ था। सो लेट्स गो टू कार देखते हुए। ऑन दी एडवेंचरस जर्नी जहाँ पे लाइट ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, बारिश बहुत तेज चल रही है और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हमारे को डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे। इट इज़ वेरी 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 रिस्की राइट नाउ टू ड्राइव इन द रेनफॉल। उसके अलावा पानी का बहाव तेज हो चुका है। ये कौन सी रिवर, श्योक रिवर के आस पास हम श्योक रिवर जिसको हम अभी साइड से हमारे लेफ्ट साइड चल रही है। प्रॉपर्टी वापस पहुंचते हुए और हम रेडी हो रहे हैं अब। हम कहाँ जा रहे हैं, सैंड ड्यून्स। सो हम उसके लिए रेडी होने वाले हैं, हम चेंज करने वाले हैं शूट के लिए। कुछ इस तरह का पुल क्रॉस करते हुए और बाल उड़े, मेरे बाल खराब हो रहे हैं। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हो कुछ इस जगह पे और फोटोज खिंचवा सकते हो। हुंदर में आपका स्वागत है। दादा वो नहीं काट पाएगा और इसको मुंह बंद है। यहाँ पे बहुत सारे टेंट हैं। मेरे सामने वाइट कलर के छोटे छोटे टेंट्स हैं, वहाँ उस तरफ पे। मेरे हाथ में चप्पलें हैं भाई, तबे इस तरफ पे। और ये बड़े वाले टेंट्स हैं। हम चलते हैं बिखरे हुए टेंट के अंदर जो कि है रमन का टेंट। So guys, welcome to my tent. बिखरा हुआ। मेरा बैग